हिंदू महासभा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सामान की नीलामी में खरीदी गई कार को गाजियाबाद में चला दिया। आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताने के लिए हिंदू महासभा ने ऐसा किया। आपको बता दें, इस संगठन ने 9 दिसंबर को मुंबई में नीलामी के जरिए 32,000 रुपए में दाऊद की एक कार खरीदी थी। संगठन के नेता स्वामी चक्रपाणी ने कार को पहले तो ये सोचा था कि एम्बुलेंस में तब्दील करेंगे, लेकिन जब दाऊद के गुर्गों की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी तो उसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस कार को आग के हवाले कर देंगे। उनका कहना है कि ऐसा करने से सांकेतिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने आतंकवाद का अंतिम संस्कार किया। 32,000 रुपए में ये कार उन्होंने नीलामी के दौरान खरीदी थी। आपको बता दें कि हाल ही में दाऊद की संपत्ति का की कुर्की की गई थी, नीलामी की गई थी, और उसी में ये कार भी नीलाम हुई थी जिसे 32,000 रुपए में चक्रपाणी ने खरीदा था, और आज उन्होंने इस कार को गाजियाबाद लाकर आग के हवाले कर दिया। देखो, पूरे विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद और दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है और भारत में भी दहशतगर्दी का माहौल एक बनाया गया है, उसके खिलाफ एक हम लोग की प्रदर्शन है जिसमें हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के ये देश की तरफ से वो किया गया है। और दूसरे मुंबई बम कांड में मारे गए जो दहशतगर्दी के शिकार थे, उनकी एक श्रद्धांजलि का एक तरीका हम लोग का है कि हिंदू या मुसलमान या कोई भी देश का नागरिक इसको बर्दाश्त, दहशतगर्दी का नहीं करेगा किसी भी कीमत पर।